वरहमतुल्लाह वबरकातुह। ये सीगाट बिस्टियाड़ा जानिब से बात कर रहा हूँ मैं। TRS के लिए हम लोग बहुत काम करे। विजया रेडम मैडम जब भी फ़ोन करे रिस्पांस दे रहे नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। पिछले 10 दिन से यहाँ पे सेवरेज का प्रॉब्लम रहने की वजह से बच्चे बीमार हो गए, लोग घर खाली करके छोड़ के चले गए। यहाँ पे मौता भी हुई तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे नहाने धोने खाने पीने से हर चीज़ से प्रॉब्लम है। कोरोना आ रहा, कोरोना आ रहा, कोरोना आ रहा, बीमार करे, फिर अब ओमिक्रॉन आ रहा, ओमिक्रॉन आ रहा बोल रहे, उसमें बीमारी करे। 10 दिन से इतना गंदगी से पानी जा रहा है घर के सामने, 22 घरों वालों को प्रॉब्लम है। जाके बता रहे ऑनलाइन कंप्लेन, हत्या के आज ये हालत हो गई। घर के 5 मेम्बर जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। आज भी अगर ना हमारे विजया मैडम जाग रहे, ना हमारे एरिया MLA नागेंद्र साहब जाग रहे, उनको खाली जिस दिन काम रहेंगे उस दिन आते, पद यात्रा होते, फूलों से स्टेटस सताते, गल्लों में डालते, इन लोगों के सब चीज़ें करते, बस्ती के पूरे लीडरों को बोल रहे। 22 दिन से जिसके घर में जितनी परेशानी चल रही आप लोग पूरा चल के देख सकते हैं। अब मैडम को भी ये अक्ल नहीं है, ना एरिया के MLA को अक्ल है, किसका क्या प्रॉब्लम है। बोले तो खाली इतना ही बोल रहे, ऑनलाइन कंप्लेन करे क्या, पहुँच रहे क्या, गाड़ी वहाँ तक पहुँचती क्या, गरीब रहना, महल्ले में छोटे घर में रहना, RBS Star के घर में रहना हमारा गुनाह है क्या, हमारे घर को मुसीबत हो गई क्या। घर पूरा उबल के आज पूरे घर में मोरी का पानी भरे हुआ है, पूरा पानी भरे हुआ है। घर के पूरे मेम्बर बाहर चले गए, इतने जने बीमार है, औरतें घर छोड़ के आके यहाँ पे बाहर बैठना पड़ रहा। कहाँ जाना, ना मैडम रिस्पांस देते है, ना एरिया MLA रिस्पांस देते है। क्या करना साहब, आप लोग देखो, देखिए TRS पार्टी के क्या एक्टिव मेंबर हूँ मैं, लीडर हूँ तो यहाँ के पूरे जितने लीडर हैं, मैं नाम तो खैर नहीं ले सकता। TRS से रहने दो, कांग्रेस से रहने दो, कोसे भी लीडर रहने दो। अब राइट नाउ TRS की हुकूमत आके इतना टाइम हो गया, गली में प्रॉब्लम है साहब, गली में प्रॉब्लम है साहब, गली में सैंक्शन होगा। 2 दिन आते साफ करते, 2 दिन के बाद सेम प्रॉब्लम, वहाँ से उनका पीछे से आ रहा पानी, यहाँ से आ रहा पानी, वहाँ से आ रहा, मगर तकलीफ तो हम उठा रहे ना। ये कितना दिन से प्रॉब्लम, ये पूरा तकरीबन 1.5 साल से प्रॉब्लम है। हर 2 दिन को लाना साफ कराना, इनको 500-500 रुपये देना, इनको 500-500 रुपये दिए तो बगैर कंप्लेन के आते। अब कंप्लेन का 20 दिन से चल रहा, कंप्लेन बोल रहे आ रहे, गंदगी देख के चल जा रहे। पूरा घर पूरा आप देख सकते कैसा होगा, घर की क्या हालत हो गई। घर में कंप्लेन दे के 10 दिन हो गया, ऑनलाइन कंप्लेन बोल रहे हूँ। ऑफिस पे भी गए तो साहब लोग यही बोल रहे, और एरिया के बुरे लीडरों को बोले, मैडम को बोले, MLA साहब को बोले, सैंक्शन होगा। जो चीज़ हमको नया होना है वो चीज़ के पीछे भाग रहे। यहाँ से लेके आप चिच्चास तक पूरा देख लेंगे आप, सेवरेज का खाली ढक्कन चेंज होता, कवर चेंज होता, फिर वही सेम प्रॉब्लम रहता पानी का।